राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 1527 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में यह जानकारी सामने आई। नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 3962 हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 27.77% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के दिल्ली में 9900 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 5499 टेस्ट किए गए। वर्तमान में दिल्ली में कोरोना के 2212 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि अस्पतालों में 223 मरीज भर्ती हैं। इसमें से 57 मरीज आईसीयू पर हैं और 59 ऑक्सीजन स्पॉट पर। मरीजों में से 189 मरीज दिल्ली के हैं, जबकि 34 मरीज दिल्ली से बाहर के हैं। कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में फिलहाल 7945 बेडों की व्यवस्था की गई है। इसमें से फिलहाल 231 बेड भरे हुए हैं, जबकि 7714 बेड खाली हैं। इसके अलावा राज्य में 75 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत भी हुई थी, हालांकि मौत का प्राथमिकीकरण कोरोना नहीं था। साथ ही बुधवार को 677 मरीज भी ठीक हुए थे।